नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे संत थॉमस एक षड्यंत्र एक गप। कई लोग सोचते हैं कि संत थॉमस जो हैं वो एक संत है, ऐसा नहीं है। उसकी असलियत बात को जानेंगे। हर शहर में सेंट थॉमस नाम से एक स्कूल है। हिंदुओं को लगता है कि अवश्य यह कोई संत रहा होगा। पुरानी कहानियों में इसे केरल के मालाबर तट पर आया बताया, तो नई कहानी से इसे बनारस पहुंचा दिया गया। कहीं इसे ईसा मसीह का भाई कहा गया, तो कहीं इसे इसका शिष्य। सत्य यह है कि हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए यह गप बनाई गई। ईसा की तीसरी शताब्दी लिखी गई एक गुल्स पुस्तक एक्ट ऑफ थॉमस में लिखा है कि जीसस क्राइस्ट का जुड़वा भाई थॉमस दसवत के बेच दिया गया दिया जाता है, और वह आद्रोपोलिस नामक पश्चिमी एशियाई नगर में आता है। राजा को धोखा देता है, सुंदर लड़कियों के लिए शैतान से भिड़ जाता है, तथा अंत में एक लंबे विधिक प्रक्रिया के पश्चात मृत्यु दंड पाता है। उसकी मृत्यु के पश्चात पारसीय सरिया आदि में उसके अनुयायी ईसाई पैदा हो जाते हैं। जब इस क्षेत्र में उन सीरियाई ईसाइयों को भाग दिए जाते हैं, तब चौथे सदी में वे लोग एक थॉमस काना नामक व्यक्ति के नेतृत्व में दक्षिण भारत में शरण लेते हैं। सदियां बीतती है तथा दक्षिण भारत के कुछ भागों पर पुर्तगाली अधिकार होता है। तब कृतज्ञता की सेमेंटिक परंपरा का निर्वाह करते हुए उन ईसाइयों द्वारा झूठ का संचार आरंभ होता है, जिसमें दो उद्देश्य है। पहला, पुर्तगालियों द्वारा मंदिर ध्वस्त एवं धार्मिक अत्याचारों को छिपाना तथा लोगों को मसीहा ईसाई बनाना। इस झूठ के तहत थॉमस के नाम का एक मालाबरी चर्च दिखाकर बावन ईस्वी में भारत आया बताने जाने लगता है। मालाबर के पूर्व तट पर आकर तमिल क्षेत्र में घुसपैठ कर माइलापुर के प्रसिद्ध प्राचीन कपिलेश्वर शिव मंदिर को पुर्तगाली लोग तोड़ देते हैं, तथा उसी स्थान पर चर्च बनाकर वहाँ थॉमस शहीद हुए थे ऐसा झूठा फैलाकर उनकी कब्र भी बना दी जाती है, और उसे मारने वाले किसने बताया जाता है, एक ब्राह्मण को। जो थॉमस तीसरी सदी का गल्फ है, जो दक्षिण भारत तक कभी नहीं आया, जो कहानी से भी सदियों पहले भारत में पश्चिमी सीमांत प्रदेश की के पारसिया के संपर्क में आया बताया जाता है, जिसकी पुष्टि स्वयं पोप वेनेडिक्ट करता है। वह सुंदर दक्षिण में सदियां पश्चात एक ब्राह्मण द्वारा मारा जा कर मंदिर के गर्भगृह में शहीद होकर विराजमान हो जाता है, और भारत की सेकुलर जमात के समस्त वामपंथी इतिहासकार उसे 52 ईस्वी का भारतीय बताने लगते हैं। सदियों की धुरी के एक कल्पित एवं एक समान अधिकार दो थॉमस मिलकर तथा एक बनाकर एक ऐसा लुभावना मिथक
गढ़ा जाता है जो भारत की आत्मघाती सेकुलर शिक्षा तंत्र से निकले लोगों को पसंद आए और जिस पर वे सहज ही विश्वास कर ले। इस थॉमस मिथक को वास्तविकता बताकर इतना प्रचारित किया जाता है कि कपिलेश्वर मंदिर के ध्वस्त की कोई बात ही नहीं करता, लेकिन थॉमस को शहीद बताकर ईसाई सहानुभूति बटोर रहा है तथा दक्षिण ब्राह्मण पर अत्याचारी की घृणित लेबल लगा दिया जाता है। यह आज के तमिलनाडु का यथार्थ है। समूचा दक्षिण भारत ईसाई मिशनरी की चपेट में है। यह वास्तविकता है कि जीजस के काल्पनिक जन्म दिवस 25 दिसंबर क्रिसमस को ईसाइयों की से अधिक हिंदू सेलिब्रेट करने लगते हैं। वे बच्चे को सेंट थॉमस, सेंट पॉल और सेंट जेवियर्स जैसे स्कूलों में पढ़ाकर निकालते हैं या पढ़ाने हुए क्रिसमस पर प्रसन्न के मारे फूल नहीं समाते। संत थॉमस के मिथक और कपिलेश्वर शिव मंदिर के विध्वंस की रोचक कहानी को जानने के लिए प्रस्तुत है। इस पुस्तक में संपादक ईश्वर शरण स्वामी दयानंद स्वामी देवानंद कनाडा के जन्मे एक पूर्व ईसाई एक्स क्रिसमस क्रिश्चियन है। पुस्तक अंगल भाषा में है। जय श्री राम। तो आप सभी लोग जान रहे हैं ईसाई मिशनरी बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। इनको विदेशों से फंडिंग भी होता है। इनके षड्यंत्र को समझो और बचो, क्योंकि जब तक हिंदू इनके षड्यंत्र को नहीं समझेगा वे नहीं समझ पाएंगे। जितने भी इंटीरियर इलाके हैं वहाँ बहुत लोग बहुत हिंदू कन्वर्ट हो चुके हैं और भी रोज यह कार्य जारी है। तो जितना हो सके इन चीज़ों को रोकना चाहिए। और संत है तो देश है, हमारे संतों का सम्मान करें, हिंदू संतों का, और ऐसे दुष्ट लोगों को जो कि षड्यंत्र करके अपने नाम पे संत लिखवाते हैं, ऐसे लोगों से बचें। क्योंकि संत वे होते हैं जो लोगों को तार सके, लोगों को ब्रह्म ज्ञान दे सके। और संत कबीरदास जी कहते हैं, तीरथ का है एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तो जब हमको संत मिलते हैं तो चार चीज़ों की प्राप्ति होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जय श्री राम।